हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश है। हमारे चैनल कंसेप्ट बूस्टर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम जानेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक के कुछ मेन पार्ट्स के बारे में, उनका नाम और उनका काम क्या होता है। फ्रेंड्स, ये देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक के कुछ मेन पार्ट्स: ब्रेक पैडल, मास्टर सिलेंडर, हाइड्रोलिक ऑयल, हाइड्रोलिक लाइन, डिस्क ब्रेक एंड डिस्क, ब्रेक शूज, व्हील सिलेंडर, ब्रेक ड्रम। फ्रेंड्स, अब हम डायग्राम के जरिए देखते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करते हैं। आप इस डायग्राम में सारे ही मेन पार्ट्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है ब्रेक पैडल। जब हम अपने पैर से इस ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो ये जो रॉड है, जो कि मास्टर सिलेंडर से और इसके पिस्टन से जुड़ा हुआ है, ये आप रॉड देख सकते हैं, मास्टर सिलेंडर और इसके पिस्टन से जुड़ा हुआ है। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन है वो हाइड्रोलिक ऑयल को प्रेस करता है, और हाइड्रोलिक ऑयल इन सभी चारों लाइन्स से होता हुआ, आप ये देख सकते हैं, चारों लाइंस या हाइड्रोलिक लाइंस होती हैं जिनसे हमारा हाइड्रोलिक ऑयल होता हुआ और हमारे यहाँ तक डिस्क ब्रेक तक और व्हील्स तक पहुँचता है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस डायग्राम में दो टाइप के ब्रेक्स हैं। ये आगे वाले आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक होते हैं और ये नॉर्मल ब्रेक होते हैं। इनमें हम डिस्क का यूज़ करते हैं, डिस्क ब्रेक का यूज़ होता है, और इनमें हम ब्रेक शूज़ का यूज़ करते हैं। बट पहले हम बात करेंगे डिस्क ब्रेक कैसे काम करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि जैसे ही पैडल को प्रेस करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल इस मास्टर सिलेंडर के पिस्टन के थ्रू इन लाइन से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। अब इस डिस्क में जो है, ये डिस्क है और ये डिस्क के जो ब्रेक है इसके अंदर पिस्टन्स होती हैं। एक तरफ पिस्टन लगी होती है, देन दूसरी तरफ लेदर का शूज़ लगे होते हैं। अब जब ऑयल इन तक पहुँचता है, इन दोनों पिस्टन तक पहुंचता है, देन पिस्टन आगे की तरफ मूव करते हैं। एक तरफ से पिस्टन मूव करते हैं, दूसरी तरफ से ब्रेक शूज़ जो है वो मूव करता है। लेदर का एक साइड लेदर लगा होता है, वो मूव करता है, और दोनों जो है डिस्क को पकड़ते हैं, और डिस्क को पकड़ने की वजह से हमारे जो व्हीकल्स है वो स्लो हो जाता है और रुक जाता है। इस तरह के ब्रेक्स आप अपनी बाइक्स और कार्स में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि नॉर्मल ब्रेक कैसे काम करते हैं। ये आप देख रहे हैं, जब हम ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो यहाँ से जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो इन लाइन से होता हुआ, मास्टर सिलेंडर से प्रेस करने के बाद ये हाइड्रोलिक लाइन से होता हुआ ये आप देख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं व्हील सिलेंडर, जो कि नॉर्मल ब्रेक्स में पाया जाता है। इस व्हील सिलेंडर के अंदर जब हाइड्रोलिक ऑयल आता है तो इसके दोनों एंड्स पर दो पिस्टन होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं ब्रेक शूज से। जब हाइड्रोलिक ऑयल अंदर आता है तो ये दोनों पिस्टन्स को मूव करता है, एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने पर ये दोनों जो ब्रेक शूज़ हैं ये भी एक्सपेंड होते हैं, और आप ये देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसे कहते हैं हम ब्रेक ड्रम। जब ये दोनों एक्सपेंड होते हैं तो ये ब्रेक ड्रम से चिपक जाते हैं। ब्रेक ड्रम से चिपकने के बाद ये व्हीकल्स को स्लो कर देते हैं और रोक देते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये होती है हमारी रिटेनर स्प्रिंग। जब हमारी गाड़ी रुक जाती है और हम ब्रेक पैडल को रिलीज़ करते हैं, ब्रेक पैडल रिलीज करने के बाद हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है उसका जो प्रेशर है वो कट हो जाता है। कट होने के बाद ये रिटेनर स्प्रिंग जो है ब्रेक शूज़ को अपनी पोजीशन में वापस ला देती है। फ्रेंड्स इस तरह के ब्रेक जो हैं आपको मोस्टली लाइट व्हीकल्स में देखने के लिए मिल जाते हैं, बट जो हमारी हैवी व्हीकल्स होते हैं लाइक बस, ट्रक, उनमें भी यही प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे जो है हम हाइड्रोलिक का यूज़ करते हैं उसकी बजाय वहाँ पे न्यूमेटिक का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।